नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ ब्रेक के बाद बेहद ही अहम न्यूज के साथ। वैसे कल के बाद से हर जगह आपने एग्जिट पोल देखा होगा और सुना होगा, और एग्जिट पोल के क्या रिजल्ट्स आने वाले, क्या नतीजे जो उसने दिखाए है, वो एक तरफ विपक्ष के लिए जहाँ हैरानी वाली बात थी, वहीं सत्ता में रह रही सरकार के लिए बेहद ही खुशी की बात थी। और इसी बीच जो नई खबर सामने आ रही है वो ये कि एग्जिट पोल में मोदी की बंपर जीत से विदेशी मीडिया हैरान है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए, जिसे देख करके भारत ही नहीं विदेशी मीडिया भी हैरान है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल से एनडीए को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, तो वहीं यूपीए को पिछली बार से 2 गुनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सभी सर्वे यह दिखा रहे हैं कि एनडीए को 2014 की तुलना में 2019 में ज्यादा सीटें मिलेंगी। विदेशी मीडिया में यह भी खबर छाई हुई है कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में लौट रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को मैमथ विक्ट्री बताया है। वहीं पाकिस्तान, अमरीका, सऊदी अरब, चीन से लेकर के सभी देशों के मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के जीत के सर चर्चे हैं। गल्फ टाइम्स में भी एग्जिट पोल्स के बारे में लेख छपा है। इसमें लिखा गया है कि यदि एग्जिट पोल सही साबित होता है तो बेरोजगारी और किसानों की समस्या को छोड़कर भारत की जनता ने पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के नाम पर मोदी को वोट दिया है। वहीं कुछ विदेशी मीडिया ने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए हैं, और उनका कहना है कि एग्जिट पोल हर बार सही साबित नहीं होता है, क्योंकि भारत में करोड़ों की तादाद में वोटर्स हैं और जिन तक सर्वे एजेंसियां नहीं पहुंच पाती हैं। आपको बता दें कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पीएम मोदी को बधाई दे दी है, और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय चुनाव संपन्न होने के साथ ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बधाई। नशीद ने कहा कि मुझे यकीन है कि मालदीव के लोग और सरकार पीएम और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए राजी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 चरणों में हुए इस मतदान प्रक्रिया में कुल 542 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जिसकी मतगणना 23 मई को होगी। वैसे यह मोदी की ताकत का ही नतीजा है कि आज विदेशी मीडिया भी भारत के चुनाव को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहा है। वैसे अब लोगों को 23 मई का इंतजार रहेगा और जब जनता के वास्तविक परिणाम का पता लगेगा। तो यह है आज की बेहद ही अहम न्यूज में से एक न्यूज की भारत में आए एग्जिट पोल्स के बाद से विदेशों में भी काफी हैरानी भरी या फिर एक से बढ़कर के एक अलग अलग किस्म की रिएक्शंस आ रहे हैं। वैसे आपके क्या राय है एग्जिट पोल के बारे में? क्या आपको पहले से अनुमान था कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आने में सफल हो पाएगी, या फिर आपको क्या लग रहा है कि अभी भी पिक्चर बाकी है और हमें 23 मई का इंतजार करना चाहिए और शायद कुछ और भी रिजल्ट हो सकते हैं? आप हम अपने कमेंट जरूर साझा करें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके। हम फिर से हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ ऐसे ही अहम न्यूज को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।